19वीं शताब्दी का मध्य, जब लाइट और रेडिएशन पर काफ़ी ज़्यादा स्टडी की जा रही थी, तब हर्ट्ज और मैक्सवेल रेडिएशन के बारे में काफ़ी कुछ बता चुके थे कि लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन से बनी हुई होती है। तब तक लोग यह भी मानने लगे थे कि लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही होती है। इसी बीच किरचॉफ भी आए, इन्होंने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पर काफ़ी काम किया। संघ में इन्होंने एक लॉ दिया जो कि आगे जाकर पूरी फिजिक्स को बदलने वाला था। किरचॉफ ने बताया कि इस दुनिया में हर एक ऑब्जेक्ट, हर एक समय, हर एक टेम्परेचर पर कुछ ना कुछ रेडिएशन को एब्जॉर्व और इमिट करता है। मतलब इसको आप ऐसे समझिए, मान लीजिए हम विजिबल रीजन की बात करते हैं, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट हमको हरे कलर का दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि उस ऑब्जेक्ट ने सभी कलर्स को एब्जॉर्ब कर लिया, केवल हरे कलर को रिफ्लेक्ट किया। यानी कि वह ऑब्जेक्ट सभी कलर्स को एब्जॉर्ब करता है, केवल हरे कलर को छोड़कर। लेकिन अगर आप उस ऑब्जेक्ट को हीट करो, उस ऑब्जेक्ट को जलाओ, तो वह सभी कलर्स को रेडिएट करेगा, केवल हरे कलर को छोड़कर। ऐसे ही अगर आप किसी वाइट कलर की चीज़ को जलाते हो, तो क्योंकि वाइट सभी कलर को रिफ्लेक्ट कर देता है, तो उसको जलाने पर हमको केवल ब्लैक कलर दिखेगा। तो देखा जाए तो किरचॉफ का यह नियम कि 0 केल्विन के बाद हर एक बॉडी कुछ ना कुछ रेडिएशन एब्जॉर्ब और इमिट करती है, यह बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर ऐसा ना हो तो हीट का फ्लो ही नहीं होगा और हमारे यूनिवर्स का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। खैर, यह अलग टॉपिक है, चलिए वापस आते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर एक बॉडी हर एक टेम्परेचर पर कुछ ना कुछ रेडिएशन एब्जॉर्ब और इमिट करती है। यहाँ तक कि आपकी बॉडी, आपका फ़ोन, हर एक बॉडी, एक एटम से लेकर बड़े बड़े स्टार तक। तो यहाँ पर एक चीज़ सामने आती है कि अगर कोई बॉडी उस पर पड़ने वाली हर एक रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले, या फिर कोई बॉडी जो कि इस दुनिया में मौजूद हर एक रेडिएशन को इमिट करे, तो ऐसी बॉडी को हम बोलेंगे ब्लैक बॉडी। तो उस समय ब्लैक बॉडी, जिसको हिंदी में कृष्ण पिंड भी कहा जाता है, ब्लैक बॉडी का कंसेप्ट सामने आया। एक ऐसी बॉडी जो कि उस पर पड़ने वाली 100% ऑफ द रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले, या फिर 100% ऑफ द रेडिएशन को इमिट करे। लेकिन पहली बात, जरूरी नहीं कि ब्लैक बॉडी का कलर ब्लैक हो, और दूसरी बात, हमारे पूरे यूनिवर्स में परफेक्ट ब्लैक बॉडी एग्जिस्ट ही नहीं करती। लेकिन फिर भी हम किसी किसी चीज़ को ब्लैक बॉडी कहते हैं, जैसे कि हमारा सन, क्योंकि वह सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इमिट करता है। ऐसे ही कार्बन ब्लैक। तो 19वीं शताब्दी में ब्लैक बॉडी का कंसेप्ट सामने आ चुका था। साइंटिस्ट लैब में ब्लैक बॉडी बनाने में लगे हुए थे, जिससे कि वो परफेक्ट ब्लैक बॉडी को और भी अच्छे से जान पाएं। तो ऐसे में लैब में एक चैम्बर बनाया गया, जिसमें अगर एक बार कोई भी रेडिएशन चली जाती है, तो वह उससे एस्केप नहीं कर पाती। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, इस चैम्बर को ऐसे डिज़ाइन किया गया है, ऐसे मॉडिफाई किया गया है कि रेडिएशन ओपनिंग में से आ तो पाती है, लेकिन बाहर एस्केप नहीं कर पाती। ऐसे ही अगर आप इस चैम्बर को पूरी तरह से बंद कर लें और उसको हीट करें, तो उसके सरफेस से जो रेडिएशन इमिट होगी, वह रेडिएशन भी ब्लैक बॉडी रेडिएशन की तरह ही होगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ, जिससे आपको यह पता चलेगा कि हर एक बॉडी हर एक टेम्परेचर पर कुछ ना कुछ हीट इमिट करती है। तो यहाँ पर एक बल्ब है, जैसे जैसे मैं इस बल्ब को वोल्टेज दूंगा, तो यह बल्ब ग्लो करेगा और आप इसके कलर को चेंज होते हुए देखिएगा। तो वोल्टेज बढ़ाने का मतलब क्या है कि इनडायरेक्टली मैं इसका टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ। मान लीजिए कि अभी मैंने 20 वोल्ट या फिर 10 वोल्ट दिया, तो आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखेगा। लेकिन हमारा वो दिया गया वोल्टेज कहाँ गया? क्योंकि एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है, तो भले ही हम उस ग्लो को नहीं देख पा रहे हों, लेकिन वह 20 वोल्ट जो हमने दिया, उसके कारण इस बल्ब में से रेडिएशन इमिट हो रही हैं। लेकिन इन्फ्रारेड रीजन में, यानी कि भले ही हम उस ग्लो को नहीं देख पा रहे हों, लेकिन रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के किसी और रीजन में इमिट हो रही है। अब हम वोल्टेज को और बढ़ाते हैं, तो आप देखते हो कि बल्ब का फिलामेंट हल्का सा रेड हो गया है। थोड़ा और वोल्टेज बढ़ाते हैं तो थोड़ा ऑरेंज हुआ, और बढ़ाते हैं फिर येलो हुआ, और फाइनली वाइट कलर का हुआ। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे लाइट की वेवलेंथ कम होती जा रही है। पहले इन्फ्रारेड, फिर येलो, फिर वाइट। यानी कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, वेवलेंथ यानी कि लैम्डा की वैल्यू कम होती जाएगी, और उसके करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी की वैल्यू बढ़ती जाएगी।
तो इसी प्रकार से कई सारे एक्सपेरिमेंट किए गए और इन एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर एक ग्राफ प्लॉट किया गया जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस ग्राफ को हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व। यहाँ पर एक्स एक्सिस पर वेवलेंथ की वैल्यू है और वाई एक्सिस पर म्यू लैम्डा है। म्यू लैम्डा रेडिएशन की एनर्जी है लैम्डा से डी लैम्डा की रेंज में। तो इसी ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व पर आगे की सारी स्टडी की गई। सबसे पहले वीन्स ने अपना डिस्प्लेसमेंट लॉ दिया जिसके अनुसार वेवलेंथ की मैक्सिमम वैल्यू टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है या फिर लैम्डा इंटू एम कॉन्स्टेंट होता है। वीन्स ने इसको एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया और हमने भी यह देखा था कि जैसे जैसे लैम्डा की वैल्यू कम हो रही थी टेम्परेचर बढ़ता जा रहा था। ऐसे ही इसके बाद 1879 में स्टीफन्स ने अपना एक लॉ दिया। उन्होंने कहा कि जो ब्लैक बॉडी एनर्जी रेडिएट कर रही है पर यूनिट एरिया पर सेकंड वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं टेम्परेचर के 4 पावर पर। अब यह जो लॉ उन्होंने दिया वह एक प्रैक्टिकल लॉ था, उसका इनके पास कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन नहीं था कि ऐसा क्यों होता है। वह इसको मैथमेटिकली प्रूफ नहीं कर पाए थे, लेकिन फिर बाद में 1884 में बोल्ट्जमैन ने इसको प्रूफ किया। अब इसके बाद से चीजें काफी मजेदार होने वाली हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। तो हमारे पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व पर जितने भी एक्सपेरिमेंट अब तक किए गए थे वह सब क्लासिकल फिजिक्स के आधार पर थे, भले ही वो वीन्स लॉ हो या फिर स्टीफन्स लॉ हो। ग्राफ से हमको यह तो समझ में आ रहा था कि टेम्परेचर की किस वैल्यू पर लैम्डा मैक्सिमम होगा, लेकिन हर एक लैम्डा पर यू लैम्डा की क्या वैल्यू होगी इसको एक्सप्लेन करना बाकी था। यानी कि पूरे कर्व के हर एक पॉइंट को समझाना और मैथमेटिकली एक्सप्लेन करना बाकी था। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट हमारे पास थे, लेकिन हमको थ्योरेटिकल और मैथमेटिकल रिजल्ट की जरूरत थी। अब इस कर्व को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले रैले और जीन्स दो साइंटिस्ट सामने आए। इन्होंने क्लासिकल अप्रोच के द्वारा इस कर्व को एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की। सबसे पहले इन्होंने एक क्यूबिकल कैविटी को इमेजिन किया जिसके अंदर ब्लैक बॉडी रेडिएशन भरी हुई है। उन्होंने सोचा कि जो रेडिएशन क्यूबिकल कैविटी की वॉल पर टकरा रही है यहाँ से वहाँ हो रही है वह एनर्जी स्टैंडिंग वेव की फॉर्म में है, और इस कैविटी के अंदर हर एक स्टैंडिंग वेव एक हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव कर रही है। लेकिन सेम स्टैंडिंग वेव के पास अलग अलग एनर्जी की वैल्यूज हो सकती है। ऐसा क्यों? क्योंकि हो सकता है कि स्टैंडिंग वेव की फ्रिक्वेंसी तो सेम हो लेकिन उनका एम्पलीट्यूड अलग अलग हो। तो यानी कि सेम स्टैंडिंग वेव के पास अलग अलग एनर्जी हो सकती है और इस एनर्जी की वैल्यू 0 से ∞ तक जाती है। और फिर यहाँ पर क्लासिकल थर्मोडाइनमिक्स का यूज किया गया और फाइनल कैलकुलेशन करके यू लैम्डा और यू न्यू की वैल्यू निकल कर आई, और वह वैल्यू क्या थी? यू न्यू इक्वल टू 8π(ν²KT/cq)। आप इसको लैम्डा में भी चेंज कर सकते हो। चलिए अब देखते हैं कि क्या ये वैल्यू हमारे ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व को एक्सप्लेन कर पाती है या नहीं। तो देखिए, स्टार्टिंग में फ्रिक्वेंसी और लैम्डा की वैल्यू कम होती है तो यह इक्वेशन स्टार्टिंग में तो कर्व को अच्छे से एक्सप्लेन कर रही है, लेकिन जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ की वैल्यू बढ़ती जाती है तो न्यू स्क्वायर है, यानी कि जैसे जैसे आप वैल्यू बढ़ाओगे तो न्यू स्क्वायर की भी वैल्यू कंटिन्यूसली लगातार इंक्रीज होती रहेगी। लेकिन एक्चुअल कर्व में ऐसा नहीं होता। एक्चुअल कर्व में पहले वैल्यू इंक्रीज होती है और फिर डिक्रीज होती है, और इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपकी वैल्यू तो इन्फिनिटी तक बढ़ती जाएगी, और इस चीज को बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रोफ, यानी कि एक तरीके से तबाही हो रही है। तो यानी कि यह क्लासिकल इक्वेशन ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व को एक्सप्लेन करने में फेल हो रही है, क्योंकि कर्व में तो पहले आपकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है और फिर डिक्रीज हो रही है, लेकिन इस इक्वेशन के अनुसार आपकी वैल्यू लगातार इन्फिनिटी तक बढ़ती जाएगी। तो अब नाउ एंटर दी मैक्स प्लैंक। इसके बाद मैक्स प्लैंक सामने आए। प्लैंक ने भी इस कर्व को एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की। वह भी मैथमेटिकल और क्लासिकल थर्मोडाइनमिक्स पर पूरा बिलीव करते थे। इनकी मैथमेटिक्स भी काफी अच्छी थी, लेकिन जब उनको यह पता चला कि क्लासिकल फिजिक्स ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व को एक्सप्लेन करने में फेल हो गई है, तो फिर उन्होंने कुछ चेंजेस किए, कुछ अलग कंडीशन सेट की इस कर्व को डिफाइन करने के लिए। और जो चेंजेस और जो संशोधन उन्होंने किए वह चेंजेस आगे जाकर क्वांटम मैकेनिक्स का आधार बनी। सबसे पहले सबसे बड़ा चेंज तो उन्होंने यह किया कि जो क्लासिकल फिजिक्स में हमें मान रहे थे कि एनर्जी स्टैंडिंग वेव के अंदर कंटीन्यूअस फॉर्म में होती हैं, तो सबसे बड़ा चेंज उन्होंने यह किया कि एनर्जी कंटीन्यूअस और स्टैंडिंग वेव में ना होकर
फ्रिक्वेंसी के फॉर्म में होती है, या यू कहें कि फ्रिक्वेंसी की डिस्क्रीट फॉर्म में होती है, यानी कि E इक्वल टू एन एच न्यू। यहाँ पर n एक इंटीजर है और h एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, और ये एनर्जी कंटीन्यूअस ना होकर एक डिस्क्रीट फॉर्म में है। एनर्जी कंटीन्यूअस नहीं बदल रही बल्कि डिस्क्रीट फॉर्म में है। और जब उन्होंने इन सब चीज़ों को अज्यूम करके कैलकुलेशन की तो प्लैंक्स की यह इक्वेशन सामने आई, जिसको आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। और प्लैंक्स की इस इक्वेशन को हम बोलते हैं प्लैंक्स रेडिएशन लॉ। अब अगर आप थोड़ा खुद कैलकुलेशन करोगे तो आपको पता चलेगा कि प्लैंक्स ने जो कैलकुलेशन की है वह ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व को सभी जगह अच्छे से डिफाइन कर रही है। यानी कि प्लैंक्स ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व को पूरी तरह से डिफाइन कर दिया। लेकिन प्लैंक्स इस पर ज़्यादा खुश नहीं थे, क्योंकि जो उन्होंने अज्यूम किया था E इक्वल टू एन एच न्यू क्वांटम पैकेट्स के फॉर्म में, इसका उनके पास कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं था। बस उस वैल्यू को पुट करने पर कर्व एक्सप्लेन हो रहा था, उनके पास इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं था। उनको लगा कि यह बस एक मैथमेटिकल ट्रिक है जिसको यूज़ करने पर यह कर्व एक्सप्लेन हो रहा है। उनके अनुसार यहाँ पर कहीं ना कहीं फिजिक्स मिसिंग है, इसलिए वह अपने इस रिजल्ट से ज़्यादा खुश नहीं थे। लेकिन बाद में यह पता चला कि वह फिजिक्स मिसिंग नहीं बल्कि काफ़ी लंबे अरसे से छुपी हुई है, जो कि अब निकलकर सामने आ रही है। और यहाँ से स्टार्टिंग हुई क्वांटम फिजिक्स की। पहली बार एनर्जी को डिस्क्रीट पैकेट के फॉर्म में अज्यूम किया गया, क्वांटा के फॉर्म में अज्यूम किया गया, एक पैकेट के फॉर्म में अज्यूम किया गया। तो प्लैंक्स जो यह मान रहे थे कि यहाँ पर कोई फिजिक्स मिसिंग है, वह फिजिक्स मिसिंग नहीं थी बल्कि वह काफ़ी लंबे अरसे से हमसे छुपी हुई थी, जो कि अब सामने आ रही है। तो यहाँ से जन्म हुआ क्वांटम मैकेनिक्स का, यहाँ से क्वांटम मैकेनिक्स की स्टार्टिंग हुई। इसके बाद क्वांटम मैकेनिक्स को एक पुश फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद मिला। तो फ्रेंड्स, यह सब था आज की वीडियो में। आई थिंक आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियोज़ और अपडेट्स आपसे मिस ना हो पाएँ। और फ्रेंड्स, साथ ही साथ हमको इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसे ही एक और नए एपिसोड में।